21 मैंने लिखा है, खुद ही लिखता हूं। और आपको जहन में रखकर लिखा है आप सब। एक एस्पायरिंग एक्टर है जो क्लास में पढ़ने के बाद जाता है एक प्रोडक्शन ऑफिस में जाता है, तो वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो अपने बारे में इसलिए मैंने ये सीन लिखा है कि आप सब एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आप इस सीन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे किसी ऑडिशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे एक्ट करके, इसे इनएक्ट करके। पहले मैं आपको सुना देता हूं। वो एस्पायरिंग एक्टर ऑफिस में दाखिल होता है और बंदा जो है एग्जीक्यूटिव उससे कहता है कुछ आप अपने बारे में बताइए। सुन लीजिए एक बार, कहता है रणविजय, आपका नाम, कहता है रणविजय, इसका मतलब है जंग जीतने वाला, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतर रहा हूं, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है, ना तो मैं कोई स्टार सन हूं और ना ही किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भांजा या भतीजा। बुलंदशहर से आया हूं, अपने मां बाप और शहर का नाम बुलंद करने। इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 4321 रुपए हैं, आंखों में कुछ कर दिखाने के सपने, ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। पहले ही अपना नाम बता चुका हूं, रणविजय, यानी जंग जीतने वाला। लड़कियां हैं उनके लिए है विजेता, इसका मतलब है जीतने वाली। पहले ही अपना नाम बता चुकी हूं, विजेता यानी जीतने वाली। तो लिखेंगे आप लोग, लिखिए। समझ गए आप सी? आप जैसा कोई एम्बिशियस लड़का या लड़की है जो दफ्तर में गया है और अपने बारे में बता रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई गुरूर या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो है अपने बारे में वही बता रहा है, कोई अहंकार नहीं है, कोई गुरूर नहीं है उसमें, बट ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ।
वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।